बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। और इसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज नंबर 1.5। एक्सरसाइज नंबर 1.5 का पहला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, मतलब जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। ये लेक्चर जो है एक्सरसाइज 1.5 का पार्ट 2 है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ दी ग्राफ्स, ड्रॉ दी ग्राफ्स ऑफ दी फंक्शंस ठीक है। हमें यहाँ पर जो है फंक्शंस इस क्वेश्चन में गिवन है जिसके हमने जो है ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, और उसके साथ साथ ग्राफ ड्रॉ करने के अलावा एंड फाइंड वेदर दे आर कंटिन्यूस और नॉट, ठीक है, दे आर कंटिन्यूस और नॉट। मतलब कि सबसे पहले तो हमने जो है हमें जो फंक्शंस गिवन है उनके हमने जो है ग्राफ्स ड्रॉ करने, उसके बाद हमने ये भी फाइंड करना है कि क्या ये ग्राफ्स या जो फंक्शन हमें गिवन है वो कंटिन्यूस हैं या नहीं है, ठीक है। ग्राफ की मदद से हम देखेंगे कि क्या ये फंक्शन जो हमें गिवन है ये कंटिन्यूस हैं या नहीं है, ठीक है। तो चलें सबसे पहले तो हम पहला काम करते हैं कि हम उसका जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैं पहले सॉल्व करता हूँ। पहले पार्ट में हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 3, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 से कम है तो x इज इक्वल y इज इक्वल टू क्या है, फंक्शन किसके इक्वल है, x माइनस 1 के। और जब x जो है वो 3 या 3 से ग्रेटर है, ठीक है, 3 के इक्वल है या फिर 3 से ग्रेटर है, तो हमारे उस फंक्शन किसके इक्वल होगा, 2x प्लस 1। ये हमें जो है गिवन है, ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अच्छा, अब इस फंक्शन को हमने जो है ग्राफ इसका प्लॉट करना है, ठीक है, ड्रॉ करना है। तो किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, चले हम देखते हैं कि सबसे पहले इन दोनों को हम जो है अलग-अलग ट्रीट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू जब 3 से कम है तो ये फंक्शन हम लेंगे, इसमें से हम पॉइंट्स जो है लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम x इज ग्रेटर देन 3 पर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि जब x जो है लेस देन 3 हो तो हमारे पास फंक्शन क्या है, ठीक है। फॉर x इज इक्वल x जो है इज लेस देन 3 हो तो हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल होता है, तो हमारे पास फंक्शन इक्वल होता है y इज इक्वल टू x माइनस 1 के। तो अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि x की वैल्यूज हमने 3 से कम लेनी है, हमें यानी कि लिमिट दे दी गई है। तो हम यहाँ पर टेबल बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर x और y मैं लिखूँगा इस तरह से, और x की वैल्यूज अब कहाँ से आएंगी, x की वैल्यूज हम यहाँ से खुद से सपोज करते होते हैं पहले भी, अभी भी हम खुद से सपोज करेंगे, लेकिन अभी इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि x जो है वो 3 से लेस ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये 0 है तो बिल्कुल ठीक है, 3 से लेस है, ठीक है। उसके अलावा जो है 1 मैं कहता हूँ, ठीक है, 1 वो भी लेस देन 3 है, ठीक है। 2 अगर मैं कहता हूँ वो भी लेस देन 3 है। अगर मैं 3 कहता हूँ ये तो इक्वल हो जाता है, हमने तो लेस देन 3 लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2.99 तक जा सकते हैं ना, हम 2.99 तक, ठीक है। तो हम मैं चलें इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं कि यहाँ से मैं x हटा देता हूँ, प्रॉपर एक हम बना लेते हैं उसके लिए, यहाँ पर x और ये y, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जी कि x जब 2 है, x जब 2.99 है, यानी कि 3 के बिल्कुल करीब है लेकिन x से 3 से लेस है, ठीक है। 2.99 हमेशा 3 से लेस ही होता है, इक्वल नहीं होता। तो इसके यानी कि इस लिमिट को हमने जो है अपने जहन में रखना है, और यहाँ पर मैं x की वैल्यूज ले रहा हूँ, उसके बाद -1, -2 और एंड सो ऑन, ये आगे चलती जाएंगी, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं आगे जो आएंगी वो लेस देन 3 होंगी। लेकिन हमें ज़्यादा वैल्यूज लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने जितनी ले ली हैं उतनी काफ़ी हैं, ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो चलें, अब हमने x की वैल्यूज़ तो हमने यहाँ पर लिख ली, लेकिन अब हमारे पास y की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी,
y की वैल्यूज हमारे पास जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, वो मैंने कहाँ से ली है, ये हमें जो फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है वहाँ से मैंने ली है। मतलब कि जब x इज लेस देन थ्री है तो फंक्शन किसके इक्वल है, x माइनस वन के, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। इसकी मदद से अब हम यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने यहाँ पर ली हुई हैं, और वहाँ से हम y की वैल्यूज निकालते जाएंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। चलें पुट करते हैं, x जब हमारे पास जो है 2.99 है तो y की वैल्यू क्यों आ जाएगी, x माइनस वन, यानी कि इसमें से एक माइनस कर दें तो 1.99 बन जाएगा। इसी तरह से 2 माइनस वन इज़ वन, वन माइनस वन इज़ ज़ीरो, ज़ीरो माइनस वन इज़ माइनस वन, माइनस वन माइनस वन इज़ माइनस टू, माइनस टू माइनस वन इज़ माइनस थ्री। ये सारी की सारी वाई की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। किस तरह से आई, आप यहाँ पर पुट करके देख लें, ठीक है। यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो की चलें सपोज मैं बात करता हूँ, एक्स इक्वल टू ज़ीरो की, तो हमारे पास वाई किसके इक्वल है, वाई इज इक्वल टू है एक्स माइनस वन के, मतलब कि एक्स की जगह आप ज़ीरो पुट करेंगे और ज़ीरो माइनस वन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है ना, कि जब एक्स इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है, तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है, माइनस वन है। ये हमारे पास यानी कि एक टेबल बन चुका है। अब हमने इसको जो है प्लॉट करना है। चले हम प्लॉट करने की तरफ आते हैं, पॉइंट्स तो हमारे पास आ चुके हैं। प्लॉट करने के लिए हमारे पास जो है क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो एक्स वाई प्लेन होनी चाहिए, ये वर्टिकल लाइन, इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं, ये होगी जी हमारे पास आ चुकी है वाई एक्सिस। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ जिसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसको भी पहले स्ट्रेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो ग्राफ है थोड़ा सा बेहतर बन जाएगा। ये हमारे पास आ चुका है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इसके अब हम जो है डिवीजन भी कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह से वर्टिकली भी मैं लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और नेगेटिव साइड पे भी ले आते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से एक्स एक्सिस पे भी लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 भी कर लेते हैं। चले अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर ये हमने देखना था कि हमने स्केल बनाना किस तरह से है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो है अब यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 0 1 2 3 के। अब इसको हमने जो है यहाँ पर प्लॉट करना है, मतलब कि जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास -1 आ रही है। चलें हम प्लॉट करते हैं इसको, जब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू क्या है, -1 आ रही है, मतलब कि ये पॉइंट हमारे पास आता है, ये -1 हमने कहा। उसके बाद जब x की वैल्यू ये हमने जो है ड्रॉ कर लिया है, प्लॉट कर लिया ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि जब हमारे पास -1 है एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या है, -2 है, यानी कि -1, -2 हमने प्लॉट करना है, -1, -2, ये -1 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू, और -2 हमने नीचे तक की तरफ आना है वाई की तरफ, तो ये हमारे पास बनता है -2, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आ चुका है। इसी तरह से ये पॉइंट अब ड्रॉ करते हैं, -2, यानी कि जब x जो है -2 है तो y की वैल्यू क्या है, -3 है, मतलब कि ये हमारे पास x -2 है। इसी तरह से आप नीचे की तरफ आएँ तो ये -3 बन जाता है, ये तीसरा पॉइंट आ गया। उसके अलावा ये पॉइंट भी हो गया। अब जब x की वैल्यू 1 है तो y 0 है, मतलब कि यहाँ पर x क्या है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू ये है 1, और y हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 हो जाता है, ये पॉइंट हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट 2 पे 1, यानी कि x जब 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पर कहीं आ जाता है पॉइंट। देखें ना, यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या नज़र आ रही है, 1 2 2 है, और y हमने कितना ऊपर लेके गए हैं, 1 के पैरेलल है, ठीक है, तो ये पॉइंट बनता है 2, 1, ये हमने ड्रॉ किया। उसके बाद 2.99 पे 1.99 है, 2.99 मतलब कि 2 ये आ गया, ये 2 है, ठीक है, ये 1, चलिए मैं नीचे साथ लिख भी देता हूँ क्योंकि बार बार हमें
कंफ्यूजन हो रही है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसी तरह से 1 2 3 4, ये 5, इसी तरह से ये -1, ठीक है, -2, -3, -4, -5, और ये -1, -2, -3, -4 और -5, ये मैंने जो है लिख दिया। अच्छा, अब क्या है कि हम ड्रॉ कर रहे थे पॉइंट 2.99, एक्स जब 2.99 है, 2.99 यानी कि 3 से एक पॉइंट बहुत, यानी कि 3 के करीब करीब, बहुत करीब यहाँ पर तकरीबन बन जाएगा, ठीक है, 3 के करीब करीब ये बनता है, और उस पर वाई की वैल्यू क्या है, 1.99, यानी कि 2 के करीब करीब, वाई की वैल्यू 2 के करीब करीब यहाँ पर तकरीबन बन जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि 3 और 2 का पॉइंट बना लेते हैं, लेकिन इसको हम होल बना देते हैं, पॉइंट नहीं बल्कि उसको फिल नहीं करते हैं, हम उसे कहते हैं ये होल है, मतलब कि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उससे पिछली पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो चलें, अब ये तो हमने कर लिया, अब हम ऐसा करते हैं इसको जॉइन कर लेते हैं इन सब पॉइंट्स को। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हैं इसको, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ आ चुका है, यानी कि किसका ग्राफ आया, हमने एक फंक्शन का ग्राफ बनाया अभी, यानी कि कंप्लीट फंक्शन तो नहीं है, जब एक्स की वैल्यूज़ क्या है, लेस देन 3 है, तो वाई यानी कि फंक्शन के एक्स माइनस वन है, उसको हमने अभी तक प्लॉट किया या ग्राफ किया। अब अभी हमारे पास एक पार्ट रहता है, यानी कि जब x इज इक्वल टू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो, तब फंक्शन 2x प्लस 1 आता है, इसको हमने अभी प्लॉट करना है, इसी के ऊपर हम प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि पॉइंट्स बनाने हमने, ठीक है, x और y, और उसके अलावा हमने ग्राफ भी यहाँ पर मैंने बताना है कि फंक्शन कौन सा आएगा, कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है, ये हमें लिमिट बताई है। तो हमारे उस फंक्शन क्या बनता है, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, y की वैल्यू क्या आती है, 2x प्लस 1 के इक्वल। चलें, अब हम इसको जो है देखते हैं कि अब हमने ऐसी वैल्यूज़ लेनी है, 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और 3 से अबव हमने जाना है, मतलब कि 3 से ग्रेटर होनी चाहिए ना, उसने कहा 3 के इक्वल और 3 से ग्रेटर। चलें, हम 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 4 5 एंड नेक्स्ट जो भी आप लेते रहें, ठीक है, तो 3 4 5 ही काफ़ी हैं, 3 वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। तो इस पर अब वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, जब एक्स 3 है, इसमें पुट करके आप देखें तो वाई की वैल्यू क्या बनेगी, 3 2 6 प्लस 1 7, यानी कि जब x इज इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू 7 बनेगी, और आप इसमें 4 पुट करके देखें आपके पास 9 आएगा, ठीक है, और 5 पुट करके देखें तो आपके पास 11 आएगा, ये जो है पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं। तो चलें, अब इसको भी हम जो है प्लॉट करते हैं, 3, 7 एक पॉइंट बनता है, ये पॉइंट है 3, 7, इसको मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ, 3, 7 कहाँ पर आएगा, यानी कि x जब 3 है और y की वैल्यू 7, ये 5 तक आया हुआ है, ये 7, अभी हम इसको जो एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ रही है, y एक्सिस को मज़ीद ऊपर एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, ये 5 था, ये 6 7, उसके बाद यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 10 और यहाँ पर करके 11 आ जाएगा, ठीक है। तो चलें, अब हम वैल्यूज़ देखते हैं जी, कि 3 पे हमारे पास क्या है, 7, ये हमारे पास जो है ये पॉइंट बनता है, ठीक है, 3, 7। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जब x की वैल्यू जो है 4 है तो y की वैल्यू क्या है, 9, यानी कि 4, 9, 4 ये है और वर्टिकली ऊपर हम जाएंगे 9 के पैरेलल, ठीक है, ये पॉइंट बनता है 4, 9। और नेक्स्ट पॉइंट है 5, 11, यानी कि x जब 5 है तो y 11 है, x जब 5 है तो y 11 कहाँ पर आता है, तकरीबन यहाँ पर, आप जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आपका जो है स्केच बिल्कुल बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो अब इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, तो इस तरह से ये भी एक लाइन बन रही है, ठीक है,
लाइन सेगमेंट आप इसे कह सकते, लेकिन ये एक लाइन है क्योंकि इससे आगे भी ये लाइन जाएगी क्योंकि 3 से ग्रेटर है ना, तो आगे भी मज़ीद इसी तरह से आप इस तरफ अगर देखें तो ये भी नीचे की तरफ ये एक्सटेंड होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि ग्राफ हमने बना लिया है इस फंक्शन का। ठीक है, दो पार्ट से इस फंक्शन के, एक एक्स लेस देन 3 के लिए, एक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। तो ये हमने जो है यहाँ पर इसको प्लॉट कर लिया, फिर पॉइंट्स को, ठीक है, उसके बाद उसको ज्वाइन कर दिया, हमारे पास ग्राफ आ चुका है। तो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन का कि ग्राफ दी फंक्शन, ये हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट था कि आपने ये भी चेक करना है कि ग्राफ की बेस पे आपने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपको कंटिन्यूस नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ग्राफ आप इसको देखें, ग्राफ अगर आपका कंटिन्यूस है तो फंक्शन भी कंटिन्यूस है। ग्राफ क्यों कंटिन्यूस नहीं है, ये देखें, ये पॉइंट जो है 2.99 जो हमने ड्रॉ किया था ये होल है। ठीक है, मतलब कि इसमें ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पर ब्रेक आ रहा है, ब्रेक की वजह से हम इसे कहेंगे कि ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, नॉट कंटिन्यूस मैं साथ में लिख देता हूँ, तो कंटिन्यूस ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि अब ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा उसमें क्योंकि उसमें हमने जो है सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलें हम लिखते हैं, पहले क्वेश्चन मैं लिखता हूँ कि फाइंड द सॉल्यूशन या ग्राफिकल सॉल्यूशन, फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इक्वेशन है x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। ये एक हमारे पास इक्वेशन है जिसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपने ऐसा करना है कि लेफ्ट साइड को आप अलहदा से ले लें, मतलब y इज इक्वल टू एक्स कंसिडर करें, अलहदा फंक्शन कंसिडर कर लें। राइट साइड को आप अलहदा फंक्शन कंसिडर कर लें, मतलब y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। इस तरह से आप यानी कि दोनों को अलहदा अलहदा, लेफ्ट साइड और राइट साइड को अलहदा अलहदा फंक्शन कंसिडर कर लें। ठीक है, उसके बाद आप उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, प्लॉट करें, ग्राफ करें उसको, तो आपके पास ग्राफिकल सोल्यूशन आ जाएगा। चले हम ऐसा करते हैं कि अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो x जो है आपको इसमें नज़र आ रहा है कि ये एक एंगल है। ठीक है, तो हम इसमें टेबल पहले बना लेते हैं, टेबल हमें बनाना पड़ेगा एक x के लिए, और पहले तो हम x के लिए लेते हैं ना, x की वैल्यूज़ लेते हैं क्योंकि x हमने कहा कि क्या है, एंगल है। यहाँ से आप देख सकते हैं साइन ऑफ 2x, ठीक है, एंगल है। तो x जो अगर एंगल है तो हम इसको जो है रेडियंस में लेंगे, मतलब हम कहेंगे जी कि x की वैल्यूज़ जो है पाई बाय माइनस पाई बाय 2 से चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं, माइनस पाई बाय 2 है, नेगेटिव से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, माइनस 5 बाय 12 पाई है, ठीक है, उसके अलावा पाई बाय माइनस पाई बाय 3 आप ले लें। ठीक है, एक यानी कि एक सीक्वेंस में हम ले लेते हैं, माइनस पाई बाय 4 है, उसके बाद पाई माइनस पाई बाय 6 है, माइनस पाई बाय 6, उसके बाद माइनस पाई बाय 12, ठीक है, उसके बाद 0 आ जाएगा, और इसी तरह से पॉजिटिव की तरफ आ जाते हैं, पाई बाय 12, पाई बाय 6, यानी कि हमने नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले ली और उसी से रिलेटेड जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हम ले लेंगे। ठीक है, पाई बाय 12 0 के बाद पाई बाय 12 क्योंकि ये नेगेटिव साइड थी, अब पाई बाय 12 पॉजिटिव, पाई बाय 6, पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 4 हो जाएगा, उसके बाद पाई बाय 3 आप ले लें। ठीक है, तो ये तो हमने x की वैल्यू चलें ले ली। हमने दो फंक्शंस कहे थे कि एक लेफ्ट साइड का फंक्शन और एक राइट साइड का फंक्शन। लेफ्ट साइड का हमने कहा कि y इज इक्वल टू x, x तो मैंने लिख दिया, अब y की वैल्यूज हम देख लेते हैं y, ठीक है, जब x माइनस पाई बाय 2 है तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू x के लिए, y इज इक्वल टू x के लिए दोनों सेम होंगे, लेकिन यहाँ पर पाई बाय 2 की फॉर्म में तो हम इसको जो है एक यानी कि पॉइंट्स में मैं लिख लेता हूँ इसको सॉल्व करके कि माइनस पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है,
माइनस पाई बाई टू तकरीबन तकरीबन जो है आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो वो तकरीबन आ जाता है माइनस 1.57 के इक्वल, ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो माइनस 1.3 वैल्यू आ जाएगी और ये माइनस 1.04 आ जाएगी, ठीक है, डिजिट्स मैं लिख रहा हूँ, माइनस 0.79 आ जाएगी ये, ठीक है, और पाई बाय माइनस पाई बाय 6 के ऊपर तकरीबन माइनस 0.52 आ जाएगी, माइनस पाई बाय 12 पे माइनस 0.26 आ जाएगी वैल्यू, ज़ीरो पे जो है वैल्यू आप जो है ज़ीरो ही रख दें, ज़ीरो पे ज़ीरो आ जाएगी क्योंकि एक्स और ये ज़ीरो आ जाएगा। उसके अलावा पाई बाय 12 पे इसी तरह से पॉजिटिव होती जाएंगी वैल्यूज, ठीक है, पाई बाय 12 2.6 और ये 5.2, बल्कि इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ कि 0.26, क्योंकि ये नेगेटिव 0.26 हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर 0.26 पॉजिटिव और यहाँ पर 0.52 है, 0.52 और पाई बाय 4 पे 0.79, ठीक है, तो मतलब कि इसको हम अब यहाँ पर सेपरेट भी कर सकते हैं, ये मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ये हमारे पास एक टेबल बन चुका है, ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यूज हमने पहले ली, उसके बाद हमने देख लिया कि वाई की क्या वैल्यूज़ बनती हैं एक्स वाई इक्वल एक्स के लिए, तो इसको आप प्लॉट करेंगे। उसके अलावा जो है दूसरा फंक्शन कौन सा है हमारे पास, साइन ऑफ 2x, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि पहले तो हमें 2x फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, 2x आएगा तो आप उसका साइन फाइंड करेंगे तो साइन ऑफ 2x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, तो 2x कहाँ से आएगा, आपके पास x ये आ चुका है, आपने खुद से यानी कि ये लिया एक सीक्वेंस में रेडियंस में वैल्यूज़ ले ली, ठीक है, उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि 2x फाइंड कर लेते हैं इससे, 2x कैसे आएगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, मतलब ये जो x की वैल्यूज़ हैं आपको नज़र आ रही माइनस पाई बाय 2, ठीक है, तो यहाँ से हम 2x ले लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 2x आती जाएंगी वैल्यूज़, ठीक है, मतलब ये माइनस पाई बन जाएगा, उसके बाद माइनस पाई बाय 6 पाई बन जाएगा और माइनस 2 बाय 3 पाई, माइनस 2 बाय 3 पाई बन जाएगा ये, और ये माइनस पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 6। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि ये जो x की वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारे पास 2x आता जा रहा है, ठीक है, तो ये 0 0 ही रहेगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 ही रहेगा और ये पाई बाय जो है ये बन जाएगा 6, ये पाई बाय 3 बन जाएगा, ये पाई बाय 2 बन जाएगा एंड सो ऑन, इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज़ भी आगे ले सकते हैं। तो ये तो हमारे पास 2x आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, y इज इक्वल टू दूसरा फंक्शन हमने क्या लिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, ये हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ चाहिए हमें, तो हम ऐसा करेंगे आप इसका साइन फाइंड कर लें, मतलब कि अब हमने क्या करना है, 2x की जो जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं उनका हमने साइन फाइंड कर लेना, मतलब कि हम फाइंड करेंगे साइन ऑफ 2x, वो किस तरह से हमारे पास आएगा, इसका साइन फाइंड कर लें माइनस पाई का, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा, उसके बाद इसका आप साइन फाइंड कर लें माइनस पाई बाय 6 पाई का, ठीक है, तो माइनस 1/2 आपके पास वैल्यू आएगी जिसको आप लिख सकते हैं 0.5, इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये माइनस 0.87, ठीक है, और बाकी भी इस तरह से आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये आपके पास जो साइन ऑफ 2x भी आ गया, ठीक है, आपने y इज इक्वल एक्स भी देख लिया, y इज इक्वल टू ये वैल्यूज़ हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x की और ये वैल्यू हैं y इज इक्वल एक्स की, ठीक है, y इज इक्वल एक्स की, तो इनको जस्ट आपने जो है प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद आपने देखना है कि ये दोनों ग्राफ्स आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, वही इसका जो है सोल्यूशन होगा, ये ग्राफिकल सोल्यूशन है, ठीक है, तो ये आप खुद से आप इसको सॉल्व कीजिए
क्योंकि लेक्चर का टाइम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बताना था, तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।